शासन पहले भी था और आज भी जारी है जी। पहले थे अंग्रेज, आज मोदी का बारी है जी। देश के माल अभी भी जा रहा है विदेश में, कैसे खुशहाल रहे जनता ऐसी परिवेश में। मोदी के कहिए कि जा अपने मन को शुद्ध कर, गंगा में नहा कर, परमत भूलो आजादी लिखा शहीदों ने लहू बहा कर। व्यवस्था बदल चुकी, नहीं वतन बदला है, लाश तो ये सिर्फ कफन बदला है। अभी अंग्रेज वाला उधरे हुए हम लोग को सता रहे हैं, हम लोग उनके अति में आएंगे का। हम लोग अब अपना हम लोग समझ गए, लड्डू बटवा रहे थे, लड्डू देख लीजिए, लड्डू बटवा रहे सारा पूरा। हम तो मुकेश सहनी और लालू यादव के खुशी में हम लोग लड्डू बटवा रहे हैं, सवा क्विंटल लड्डू बनवा रहे, बांटेंगे। देसी घी का लड्डू है, देसी घी का। देखिए पुराने का लोग कहते थे भी था और आज भी जारी है, पहले थे अंग्रेज, आज मोदी का बारी है। देश के माल अभी भी जा रहा है विदेश में, कैसे खुशहाल रहे जनता ऐसी परिवेश में। मोदी के कहिए कि जा अपने मन को शुद्ध कर, गंगा में नहा कर, परमत भूलो आजादी लिखा शहीदों ने लहू बहा कर। व्यवस्था बदल चुकी, नहीं वतन बदला है, लाश तो ये सिर्फ कफन बदला है। अभी अंग्रेज वाला उधरे हुए हम लोग को सता रहे हैं, हम लोग उनके अति में आएंगे का। हम लोग अब अपना हम लोग समझ गए, लड्डू बटवा रहे थे, लड्डू देख लीजिए, लड्डू बटवा रहे सारा पूरा। देखिए लड्डू कहाँ बन रहा है इनका, जरा देखिए, जरा इधर दिखाइए, सही में ये देखिए, यहाँ पे जो है ये लोग लड्डू बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे की देसी घी में लड्डू बना रहे हैं। क्या भैया, किसके लिए, क्या किस चीज के लिए लड्डू बना रहे हैं आप लोग? मुकेश सहनी के। क्या कर रहे हैं चाचा? मुकेश सहनी का अथी में बटाएगा, मुकेश सहनी के लालू जी के साथ मिले हैं ना, तेजस्वी जी के साथ। क्या कर रहे भैया? मुकेश सहनी के लिए बटाएगा, महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो। मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए हैं, उसी की खुशी में ये लोग लड्डू बांध रहे हैं, बटवा रहे हैं। क्या चाचा? हाँ, मुकेश सहनी जो महागठबंधन में गए हैं जी, उसी का खुशी में जो है हम लड्डू हम लोग पूरे तीनों टोला लड्डू बटवाए, सवा क्विंटल बनवा रहे हैं देसी घी में। हम लोग सहनी और यादव सब हैं जी। देखिए इधर सब लोग यादव हैं, उधर जी हम लोग यहाँ सहनी है, उधर देखिए यादव है। बात क्या भैया? जी हाँ, हम लोग जो गठबंधन में मुकेश सहनी आ गए हैं ना, उन्हीं के खुशी में लड्डू बटवा रहे हैं जी। आप जो बोले ना उनके साथ की खंजर जी, तो खंजर उनके पीठ पर लगा था इधर से, लेकिन अच्छा। उधर से तो छाती में लगा जी। तो जो पीठ से लगा वो तो कहीं छाती से अच्छा है। विजय सिन्हा जी को है? नहीं नहीं, वो गलत बोले हैं जी। वो अपना वाणी को संभाले, कोई पीठ पर यदि लात मार रहा है तो हम बच जाएंगे, लेकिन कलेजा पर मारेगा तो नहीं बच पाएंगे। तो हमको पीठ वाला ही अच्छा है, कलेजा वाला नहीं चाहिए। देखिए एक और चीज है, एक चीज और है, अब जो है मोदी जी खड़ा कर दिए समानांतर हरी सहनी को, कि भैया मलाह का वोट जो है हरी सहनी को खड़ा करके हम कुछ अपने तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। इसका कितना असर होगा आप लोग बता दीजिए। अच्छा, हरी सहनी के रणनीति में कौन लाया है? हरी सहनी भैया लोग काम कर रहे हैं इधर, इधर आ जाइए। हाँ, हरी सहनी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, जंगल में से उठा के रख दिया, बना दिया। किनका देन किनका है? इनका तो मुकेश भाई का देना है। आज मुकेश सहनी नहीं होते तो हरी सहनी चाहे कोनो सहनी नहीं होते, कोनो सहनी के कोनो नेता पूछने नहीं जाता, कोई नहीं। मुकेश सहनी का देन है कि सबको पूछ रहा है लोग, चाहे हरी सहनी हो चाहे बर्तन सहनी हो, जो भी पूछ रहा है तो मुकेश सहनी का देन है। मुकेश सहनी का देन है भैया, मुकेश सहनी का देन है, ये कह रहा हूँ। हरी झड़ी आएगा जूता से मार खाएगा, जूता से क्या करे, जूता से मार खाएगा, हरी झड़ी आएगा तो हरी झड़ी जानना कह रहा है। बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, जितना पुराने का जब चप्पल जूता होगा। आप लोग खुशखबरी में लड्डू बांट रहे हैं, खुशखबरी में लड्डू बांट रहे हैं, और सब सहनी समाज के लोग, यादव समाज के लोग इकट्ठा है, तो हरी सहनी तो आप ही के समाज के लोग ना, तो समाज में तो समाज समाज के लोग नहीं ना है जी। अच्छा सुनिए लंका में विभीषण था कि नहीं था जी? तो वो दोगला के कथी कहिएगा, निकल गया हमें से, निकल के हम लोग को जो हमारे पेट में चाकू मार रहा है वो जी, आज हमारे कमजोर न करने के लिए निकला है, आप ही को कमजोर कथी करने के लिए सहनी समाज के निकाल दिया कि सहनी कमजोर होगा, लेकिन हरी के बात पर कमजोर थोड़े होंगे हम लोग, टाइट हो गए हम लोग। अच्छा, वैसा हरी आएगा 50 गो ना, जितना हरी आएगा उतने हम लोग टाइट होते जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, तब मुकेश सहनी का हाथ मजबूत हो रहा है ना। क्या कर रहे हम लोग? टाइट रहेंगे मुकेश सहनी के पीछे, मुकेश सहनी के पीछे। हाँ, पूरा टाइट रहेंगे सर जी। हाँ, एकदम मुकेश सहनी के पीछे, एकदम जिंदाबाद रहेगा, मुकेश सहनी के पीछे जिंदाबाद। शिवचंद्र राम जिंदाबाद। सर,
हमारे बिहार में जी दो नौजवान नौजवान हुआ है जी, आज 17 साल के चिराग जी भी नौजवान है। अरे वो तो कचरी काटने वाले है, चाचा भतीजा में लड़ाई करने वाले है, तो क्या करेंगे राजनीति जी? राजनीति नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो राजनीति? अपना चाचा के ना होगा, वो दूसरा को होंगे, बोलोगे नहीं होगा? अरे चाचा के 5 MP था, आज एक को न मिला, उनको छाड़ दिया, अपने एक को था तो 5 को लेके दौड़ रहा है। चाचा के जो ना हुआ वो हम लोग होगा, चाहे जनता के होगा, कहियो ना कहियो नहीं होगा। तो बेटा कैसे होगा, जो बाप का नहीं वो बेटा कैसे हो सकता है? चिराग जी तो बोलते थे कि हमको बीजेपी वाला रात में 11 बजे रात में हमको पूरा बस्तर बिछावन सब फेंक दिया गया, बाहर निकाल के बाहर निकाल के फेंक दिया गया। और मेरा माँ के बेट पर चढ़ के पुलिस वाला नरेंद्र मोदी के हनुमान है नहीं, वो तो सब बाह कह लेते हनुमान है। अरे इसको कौन जानता है भैया, सुनिए ना, सब बात गया। ठीक है कह रहे हैं, हनुमान है जी, चिराग जो है ना जी वो हनुमान है जी, मोदी जो है ना वो लंका के रावण है। अच्छा, तो वो आग लगाएगा लंका में, जरा देगा। चिराग जो है हनुमान है, मोदी जो है लंकापति रावण है, लंकापति रावण है। मोदी जो है आग लगाएगा डोमरी में हनुमान के, अपन लंका में जरवा लेगा, वो लंका जरवा लेगा, पूरा लंका स्वा करवा लेगा। तो वो सबके मुहा देगा, बाल बच्चे सबके, जितना बीजेपी में है ना, अपने हार रहे हैं। अच्छा मुझे जाके जीजा जी की जिताते हैं, जाके क्या करे जीजा जी को जिताते हैं, जाके अपने समारोह पहले से हम जीत रहे हार रहे अपने यहाँ हार रहे। देखिए ये चिराग पासवान के क्षेत्र की जनता है, हाजीपुर से गयो। देखिए ये हाजीपुर के लोग है और कह रहे हैं कि वो जीजा जी को जिताने में लगे हैं, और उनका अपना सीट अपने हार रहे हैं, जीजा जी को जिता रहे हैं, जाके जीजा जी को जिता रहे हैं, अपने हार रहे हैं। यहाँ जितने कहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो ऐसा कैंडिडेट है, रचना रविदास की पूरा टाइट कैंडिडेट है, शीशी की कैंडिडेट है, 4 लाख आज प्रचार करने गए थे रचना रविदास का, वही ना कह रहे हैं कि 4 लाख+ से जीत रहे हैं। यहाँ का समीकरण ना बताइए, ये यहाँ तो शिवचंदर राम जीत रहा है 6 लाख+ से, 6 लाख+ वोट तो यहाँ एक तरफा गिरने जा रहा है। वो चिराग तो पासवान आते ही नहीं है, अभी तक आए ही नहीं है, कितना बार घूम रहे राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी खाली एक तरफा वोट है चाचा कौर, एक तरफा। तो चलिए देखिए ये हाजीपुर की जनता है और अपना विचार पर खड़ता से रख रही है, और आप हमसे आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।